बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो आज हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पर आपके जिनका भी अपकमिंग टाइम में NHM, CHO, GMC साथ ही साथ SGPGI का पेपर होने वाला है, क्योंकि अभी SGPGI में भी वैकेंसी निकाली गई है, उत्तराखंड में भी वैकेंसी निकली है। तो जहाँ पर भी आपका स्टाफ नर्स और CHO का पेपर होता है, तो एज ऑन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी क्लासेस ली जाती हैं। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि यदि डेली दो क्लास होती हैं तो एक क्लास में आपको पूरे पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, जहाँ का भी एग्ज़ाम है आपका, और एक आपकी मेनली है जो क्लास रहेगी। दोनों चीज़ों को आप ज्वाइन किया करें, जिससे आपको यदि आप पेपर्स देखते हैं तो आपको वहाँ के पैटर्न का आइडिया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, और जो क्लासेस रहती हैं इसमें आपके नए क्वेश्चन हैं जो रिपीट करवा दिए जाते हैं, जिससे आपको दोनों चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो अभी अपकमिंग टाइम में नर्सिंग में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल रही हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि जो भी लोग NHM, CHO, GMC या फिर SGPGI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि वो लोग अपकमिंग टाइम में NORSET का फॉर्म भी भरते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपनी NORSET की तैयारी भी कंटिन्यू करके रखिए, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, मे भी आपका अक्टूबर और नवंबर तक है जो NORSET एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाता है। तो आप सभी क्लासेस को इस तरीके से बस कंडक्ट मत कीजिए, चाहे आप कहीं से भी करते हो यहाँ से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से, कि बस आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपको जॉब लग गई, अब इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हो, चाहे आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, किसी अदर चैनल से या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म बुक्स जो भी यूज़ करते हैं, आप उनको इस तरीके से पढ़िए कि यदि आपने अपकमिंग टाइम में NORSET, TSIC या फिर रेलवे के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो आपकी डबल तैयारी होते जाए, आपको दोबारा से उस चीज़ में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर आपने ऊपर हेडिंग देखी कि 20,000 MCQ सीरीज़ हैं, तो ये सॉल्व कैसे होंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि आप जनरली 10 से 20 सीरीज़ लेके क्लास को स्टॉप करके कोई नई सीरीज़ स्टार्ट कर देती हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा। डेली आपको पेपर्स के अलावा जो सीरीज़ रहेंगी, पर सीरीज़ मेरी यही कोशिश होती है कि आपको 100-200 MCQs तक एक क्लास में सॉल्व करवा दिए जाए, और आपके साथ ही साथ जो भी पुराने पेपर्स होते हैं जहाँ का एग्ज़ाम है उनको आपके पास प्रोवाइड करवाया जाए। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि आपको फरवरी फर्स्ट वीक से जो भी सीरीज़ हैं, जो भी पेपर्स हैं, अभी तक तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल पेपर जैसा आंसर की अपडेट की गई वैसे ही आपको मिल जाती थी। बहुत सारे लोगों को प्रिंट निकलवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि यदि एक क्वेश्चन पेपर 25 पेज का है, तो आप यदि 25 पेपर्स परचेस किए तो आप 2500 पेज की PDF कैसे निकलवाएंगे। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए पूरे क्वेश्चंस हैं जो टाइप किए जा रहे हैं, मे बी जनवरी, मिड जनवरी या फिर फरवरी फर्स्ट वीक से आपको PDF फॉर्मेट की जगह, जो भी लोग PDF लेते हैं तो ठीक है, जो लोग प्रिंटआउट मटेरियल लेना चाहेंगे वो भी आपको फरवरी फर्स्ट वीक से अवेलेबल करवाया जाएगा, एज एन प्रिंटेड फॉर्मेट में रहेगा मेरे लिए। तो आपको इस तरीके से रहेगा, जैसी आपकी बुक्स रहती हैं उसी टाइप से आपको है जो अवेलेबल करवाया जाएगा। मे बी आपको ये यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर दिख रहा हो सकता, जब आपकी PDF प्रिंट करके लाई जाए तो यहाँ पे कलर कुछ चेंज किए जाएँ, मे बी हो सकता सेम रहे, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं, हो सकता 500 पेज की जो PDF रहेगी वो आपको एज एन बुक फॉर्मेट में, बाइंडिंग फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाए, जिससे आप इजीली है जो अपनी तैयारी कर सकेंगे, और आपको जहाँ के भी पेपर्स चाहिए होंगे आपको प्रिंटेड मटेरियल है जो अवेलेबल करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, मे बी फरवरी फर्स्ट वीक से आपके लिए चीज़ें अरेंज कर दी जाएंगी। मोस्टली काम है जो हो चुका है इस तरीके की PDF के लिए, बट थोड़ा बहुत जो रह गया है वो बहुत ही जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है जो भी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए कि आपके अपकमिंग टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास में हमारे जो मेन क्वेश्चन होंगे, दो टॉपिक यहाँ पर मेनली आपके कवर किए जाएंगे, और दोनों आपके गायनेकोलॉजी और कम्युनिटी बेस्ड होंगे, क्योंकि आपका जो NHM, CHO और जो SGPGI जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको मेनली कम्युनिटी और गायनेक पर फोकस करना है, साथ ही साथ MSN पर। यदि आपने कम्युनिटी, गायनेक और MSN अच्छे से पढ़ ली, तो आपकी फंडामेंटल अपने आप कवर हो जाती है इन सब्जेक्ट्स के साथ में, आपको बहुत इजीली फंडामेंटल भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर एबनॉर्मलिटी ऑफ लेबर के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो भी एबनॉर्मलिटी के अलावा यदि हम बात करें तो कम्युनिटी और जो MSN उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है आपका MSN से,
मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का मतलब है ऐसी ड्रग्स जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं, और ये कब दी जाती हैं, या तो जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनको दी जाती हैं, या फिर जिनका किडनी ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं उनको। तो यहाँ पर जब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं तो इनके सब साइड इफ़ेक्ट होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फीवर विथ चिल्स एंड ट्रिमर्स, इंक्रीज WBC काउंट्स, या फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी। ड्रग्स क्या करेगी, नॉजिया वॉमिटिंग कर सकती है आपको, फीवर विथ चिल्स एंड ट्रिमर्स होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इस ड्रग के लेने से या फिर इस ड्रग की कोई भी क्लास की ड्रग लेने से, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन से, आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, कमज़ोर होगी, वीक होगी। तो यहाँ पर आपको फीवर आ सकते हैं, चिल्स आ सकते हैं, ट्रिमर्स आ सकते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी, लेकिन जो WBC काउंट है बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी। यहाँ पर जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं आपके इम्यून सिस्टम को क्या करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी, मतलब दबाने का काम करेंगी। और मैंने जैसा आपको बताया कि ये दी कब जाती हैं, या तो कुछ ट्रांसप्लांटेशन होना हो तब दिया जाता है, या फिर इसी स्टेरॉइड्स कुछ दिए जाते हैं तो वो भी इम्यूनोसप्रेसिव में आ जाते हैं, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनको भी दूसरी प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही है कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने से आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, कमज़ोर होगी। आपको दी तो जा रही है किसी और प्रॉब्लम के लिए, लेकिन आपको दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज, ब्लीचिंग पाउडर को और हम क्या कहेंगे। और यदि आपको एग्ज़ाम में आता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन यदि एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पर स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं कुछ, साथ ही साथ यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन, जनरली जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट होता है उनमें मेडिसिन दी जाती है साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम और क्या कहेंगे, सिडेक्स, KMnO4, क्लोरीनेटेड लाइम, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर KMnO4 का मतलब है पोटेशियम क्लोराइड, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर हम इसको फिटकरी भी कह सकते हैं। फिर है यहाँ पर क्या, सिडेक्स और क्लोरीनेटेड लाइम, तो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है क्लोरीनेटेड लाइम। यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि यदि बड़े बोरवेल में यदि हमें बड़े से कुएँ को क्या करना है, उसका पानी फिल्टर करना है, तो आप किस मेथड से बेस्ट रहेगा, तो बेस्ट मेथड होती है यहाँ पर क्या, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीनेटेड लाइम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट इज गोइंग टू कीमोथेरेपी फॉर कोलोन कैंसर, द नर्स एडमिनिस्टर एन एंटी एमेटिक मेडिकेशन 30 मिनट्स बिफोर ट्रीटमेंट एज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन, एंटी एमेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू। तो ये क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आता है कि कोलोन कैंसर की सर्जरी होनी हो, फिर कीमोथेरेपी होना हो, या फिर कोई अदर ऑर्गन के लिए कीमोथेरेपी होने वाली, अदर टाइप के कैंसर के लिए, तो यहाँ पर हमेशा 30 मिनट पहले ही एंटी एमेटिक मेडिसिन दी जाती है, आपको याद रखना है। एंटी एमेटिक मेडिसिन का क्या काम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसरस सेल, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग, प्रिवेंट नॉजिया वॉमिटिंग, या फिर सेडेट द क्लाइंट। तो हमेशा कोई सी भी कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के पेशेंट में, तो उसको हमेशा 20 से 30 मिनट पहले ही एंटी एमेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद पर्सन को नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 80% तक चांस होते हैं, तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दे दिया जाता है, एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो वॉमिटिंग और नोजिया को क्या करेंगी, प्रिवेंट करने का काम करेंगी। क्लियर। तो दो क्वेश्चन याद रखें, एंटी एमेटिक्स क्यों दी जाती है, नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने, और कीमोथेरेपी के कितने टाइम के पहले दी जाती हैं, तो हमेशा 20 से 30 मिनट के पहले। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, टू डायग्नोस एक्टोपिक प्रेगनेंसी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, इसमें क्या होगा कि जो नॉर्मली इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में या तो फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है। मैं मोस्टली बहुत ही ज़्यादा केसेस जो होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, इसमें इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, लैप्रोस्कोपी से, अल्ट्रासोनोग्राफी से, हिस्ट्रोस्कोपी से, या फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से।
तो यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बेस्ट डायग्नोस करने के लिए जो मेथड अपनाई जाएगी वो होगी अल्ट्रासोनोग्राफी। ये देखिए जो जनरली प्रेगनेंसी में क्या होगा, यदि आपको पूछते फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। लेकिन जब यही जो फर्टिलाइज्ड एग है इसका इम्प्लांटेशन, मतलब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं पर क्या हो गया, इम्प्लांटेशन भी हो गया, फैलोपियन ट्यूब में हो गया, ओबरी में हो गया, सर्विक्स के यहाँ हो गया, अदर देन यूट्रस कहीं भी हो गया, तो वो कहलाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसको मेनली हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो इसमें मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज द, एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, आप याद करके रखें, स्पेशली जब आप स्टाफ नर्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इनमें से कौन सा है, फेसियल मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, वेंचुरा मास्क, नेजल कैन्यूला। जो मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है वो होता है वेंचुरा मास्क, और इससे कितने परसेंट ऑक्सीजन का फ्लो होता है तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पर ये देखिए वेंचुरा मास्क कौन से कलर का है जो किस तरीके का फ्लो करेगा, तो ब्लू से 24% होगा, मतलब 2 लीटर पर मिनट, वाइट से 4 लीटर पर मिनट, ऑरेंज से 6 लीटर पर मिनट, येलो से 35, रेड से 40, 10 लीटर पर मिनट 40% में 10 लीटर पर मिनट, ग्रीन से 60% 15 लीटर पर मिनट। मेनली जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है रेड कलर का, जिससे 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन का फ्लो होगा। और वेंचुरा मास्क क्या है, मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक तो ये आता है कि ऑक्सीजन को ड्राई फॉर्म में ही क्यों नहीं, मॉइस्ट करके क्यों भेजा जाता है। दूसरा आता है यहाँ पर आपको बेबीज़ में, यदि लॉन्ग टर्म तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है स्पेशली प्रीटर्म बेबीज़ में, तो कौन सी सिचुएशन डेवलप होती है। तो 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं, आपको याद होना चाहिए। बेबीज़ में तो फाइब्रस रेटिनोप्लासिया को प्रिवेंट जो डेवलप होता है क्या होगा, ऑक्सीजन है जो क्या होगी, जो आइस में बेबी के जो बैक पार्ट है वहाँ पर अक्यूमुलेट होने लगता है, तो यहाँ पर फाइब्रोप्लासिया डेवलप होने के कारण जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इसी के होंगे। प्रीटर्म बेबीज़ में है जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तब होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन कौन सा है, डिजीनेस, नोजिया, हेडेक या फिर एनोरेक्सिया। तो जो फर्स्ट साइन है किसका डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, वो है यहाँ पर एनोरेक्सिया। क्या होगा, एनोरेक्सिया। डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट क्यों दिए जाते हैं, जब आपकी पल्स रेट क्या हो रही हो या फिर आपको डिजिटालिस एजेंट दिए जाते हैं हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब भी आपकी जो हार्ट रेट है या फिर पल्स रेट है 60 से भी कम होती है तब ये नहीं देना, हमें क्या करना है, विथहेल्ड करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन हमेशा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विथ अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, वॉमिटिंग एंड लेथार्जी, नेचुरल रिजिडिटी, मेनिनजाइटिस इज सस्पेक्टेड, द नर्स प्रिपेयर फॉर पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पर एक क्लाइंट को 105 डिग्री फीवर है फ़ारेनहाइट में, वॉमिटिंग हो रहा है, लेथार्जिक है, नेचुरल रिजिडिटी है। नेचुरल रिजिडिटी का मतलब नेक के यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, रिजिड टाइटनेस सी लग रही, स्टिफनेस हो रहा है। और मेनिनजाइटिस क्या हो रहा है, नेचुरल रिजिडिटी क्लासिकल साइन है मेनिनजाइटिस का, ब्रुजिंस्की करनिंग और नेचुरल रिजिडिटी। तो क्या है, मेनिनजाइटिस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर होती है मेनिंग्स, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट से कंफर्म करेंगे, सीटी स्कैन से, लंबर पंचर से, कोल्ड कैलोरी टेस्ट से या फिर सिस्टोग्राम से। तो यदि मेनिनजाइटिस सस्पेक्ट हो रही है डॉक्टर्स को, तो वो सबसे पहले लंबर पंचर के लिए एडवाइस करेंगे, किसके लिए, लंबर पंचर के लिए। L3 to L4, F4 to L5 है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है लंबर पंचर के लिए। नेक्स्ट इज मैक्सिमम टोटल स्कोर ऑफ ग्लासगो कॉमा स्केल, एक क्वेश्चन अभी आई थिंक 1 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया था, 2023 में जो फर्स्ट पेपर हुआ है जनवरी में त्रिपुरा में, मैक्सिमम टोटल स्कोर कितना होता है ग्लासगो कॉमा स्केल का, 8, 5, 15 या फिर 12। तो जो मैक्सिमम स्कोर होता है ग्लासगो कॉमा स्केल का वो होता है 15, कितना 15। और ग्लासगो कॉमा स्केल में कॉन्सियसनेस लेवल को चेक करने के लिए स्केल यूज़ की जाती है, इसमें 3 डोमेन्स या फिर 3 टाइप्स की चीज़ें चेक की जाती हैं,
आईज ओपनिंग वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, क्या है आईज ओपनिंग वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर टोटल स्कोर पूछते हैं आपसे, मैक्सिमम तो होता है 15, बिलो 3 जाता है मतलब पर्सन क्या है डीप कोमा या फिर डेथ में है, 8 तक जाता है मतलब पर्सन की कंडीशन क्या हो रही है, डिटोरिएट हो रही है। नेक्स्ट वन, इन गिविंग ऑफ एनिमा द फ्लूइड्स फ्लो बाय ग्रेविटी इनटू द सिग्मॉइड एंड डिसेंडिंग कोलोन इफ द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द, तो एनिमा में सिंपल सा क्वेश्चन है पर्सन को कौन सी पोजिशन देंगे हम, लिथोटोमी लेफ्ट लेटरल हॉरिजॉन्टल या फिर डॉर्सल रिकमेंड पोजिशन। तो जो रिकमेंड पोजीशन दी जाती है जनरली जब यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा हो उस पर्सन में है जो प्रेफर की जाती है, यहाँ पर एनिमा के लिए जो कॉमन प्रेफरेबल पोजीशन होती है वो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इस तरीके से यदि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो फॉलोअर्स पोजीशन देंगे, यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है तो ट्रेंडलाइन वर्क के लिए क्या किया जाएगा यहाँ पर मेनली पर्सन के लिए कहा जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाएगी पर्सन को कब, जब एनिमा दिया जाना हो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज सक्शनिंग फ्लूइड्स फ्रॉम अ क्लाइंट बाय अ ट्रैकियोटॉमी ट्यूब विद सॉरी व्हेन सक्शनिंग द नर्स मस्ट लिमिट द सक्शनिंग टाइम टू अ मैक्सिमम ऑफ, तो यहाँ पर जब आप किसी पर्सन में ट्रैकियोस्टॉमी ट्यूब के थ्रू सक्शनिंग करते हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको कितने टाइम तक सक्शनिंग करना है, उससे ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी है। ऑप्शन में है 5 सेकेंड 10 सेकेंड 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट। तो कभी भी आप सक्शनिंग करते हैं ट्रैकियोस्टॉमी ट्यूब से तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी क्या 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको सक्शनिंग नहीं करना है। क्या करना है आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करना है, ओनली 10 सेकेंड ही आपको सक्शनिंग करनी है। नेक्स्ट वन, द पोजिशन ऑफ अ कॉन्सियस क्लाइंट ड्यूरिंग सक्शनिंग इज, तो यहाँ पर सक्शनिंग के लिए क्या है 10 सेकेंड। यदि आपको नॉर्मल एक तो ट्रैकियोस्टॉमी ट्यूब से सक्शनिंग करना होगा, यदि नॉर्मली बेबीज में सक्शनिंग के लिए पूछें फिर अनकॉन्सियस पेशेंट में पूछें तो हमेशा आपको सक्शनिंग पहले माउथ से करना है देन आफ्टर नोज से करना है ताकि एस्पिरेशन से आप उसको प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कॉन्सियस क्लाइंट में सक्शनिंग कौन सी पोजिशन में करेंगे, फॉलोअर्स सुपाइन साइड लाइंग या फिर प्रॉन। अब दो चीज़ें देखिए, यदि आपको एग्जाम में कहते हैं कि आपको सक्शनिंग यदि अनकॉन्सियस में कहते हैं तो आप साइड लाइन यूज़ करेंगे, क्लियर क्या करेंगे साइड लाइन, लेकिन पेशेंट होशो हवास में कॉन्सियस है तब सक्शनिंग की जाएगी किसमें, फॉलोअर्स पोजीशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन इज, व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर व्हाट साइन वुड बी एंटीसिपेटेड, तो सिरोसिस ऑफ लिवर होता है यदि किसी पर्सन को सिरोसिस ऑफ लिवर मेनली किसी किसी में बहुत ज़्यादा एल्कोहलिज्म के कारण सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप नॉर्मल लिवर की इमेज देखना और सिरोसिस वाले लिवर की इमेज देखना तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो क्या साइन है जो एक एंटीसिपेशन टाइप का होगा, एसाइटिस मतलब फ्लूड का एक्यूमुलेशन होना, जॉइंटिस एनोरेक्सिया या पेरिफेरल एडिमा। तो सिरोसिस ऑफ लिवर की जो स्टेज जो अर्ली स्टेज होती है उसमें साइन देखने को मिलेगा वो होगा एनोरेक्सिया भूख ना लगना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, अंडर द आयुष्मान भारत गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 2 मेजर इनिशिएटिव नेमली नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम एंड विच वन, तो यहाँ पर सरकार ने 2 टाइप की स्कीम लाई थी आयुष्मान भारत के तहत। तो यहाँ पर जो स्कीम लाई गई थी एक तो हो गई थी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, दूसरी स्कीम का नाम क्या था, हेल्थ सेंटर हेल्थ एंड योगा सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर वेलनेस सेंटर, तो वो था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है, अभी रिसेंट में आप लोग बहुत सारे लोग जो ड्यूटी करते हैं स्पेशली हॉस्पिटल्स में CHO की पोस्ट पर, उनको याद होगा अभी रिसेंट में मैं भी 1 or 2 वीक पहले ही जिन भी स्टेट ने अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो भी सब सेंटर ने अच्छे से काम किया उनको अवार्ड है जो दिया गया था। तो बेस्ट कौन सा स्टेट रहा है, बस 2nd, 3rd पर कौन सा स्टेट रहा है, तो उनके नाम आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना,
जिससे जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाए। मैंने न्यूज़ देखी थी बट मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है कि बिहार को दिया गया था कि यूपी को दिया गया था। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जी ज़रूर लिखना कि सबसे अच्छे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर कौन से स्टेट ने काम किया है। नेक्स्ट वन, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेट विथ। तो इंद्रधनुष जो मिशन है किससे रिलेट करता है? चिल्ड्रन सेफ्टी से, ई कॉमर्स, चाइल्ड वैक्सीनेशन, एफ एन एन एफ डीज। तो इंद्रधनुष मिशन रिलेट करता है किससे? चाइल्ड वैक्सीनेशन से। क्लियर। नेक्स्ट इज द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पर मैं आपको इंद्रधनुष के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा हुआ है। इसमें 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को क्या किया जाता है? वैक्सीनेट किया जाता है। फिर इसका इंटेंसिफाइड प्रोग्राम आया था, 2.0 आया था। नेक्स्ट है NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1990 में, 1938 में, 1979 में कि 1992 में? तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब? 1992 में। वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। देखिए यदि यहाँ पर इसकी NACP की फर्स्ट फेज पूछते हैं तो 1990 से 92 तक रही है, फिर यहाँ पर 92 से 2000 तक रही सेकेंड, 2007 से 2012 तक रही NACP की थर्ड फेज, 2022 की थीम है रिफ्लेक्शन सेलिब्रेशन रिजुविनेशन। जो यहाँ पर थीम है इसकी 2022 की थीम थी, ये क्या थी? रिफ्लेक्शन सेलिब्रेशन रिजुविनेशन। नेक्स्ट वन, ट्रू अबाउट मिशन परिवार विकासेज। मिशन परिवार विकास एक प्रोग्राम है। आपने मिशन परिवार से समझ गए कि ये क्या है, फैमिली को रिलेट करता हुआ प्रोग्राम है। तो एक इससे लेके सही पॉइंट क्या है? लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अ न्यू फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव फोकस ऑन 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट इन 7 स्टेट विथ हाई TFR या फिर ऑल ऑफ दीज। मिशन परिवार विकास है, इसके सभी पॉइंट्स क्या हैं? सही हैं। क्या है? मिशन परिवार विकास को लॉन्च किया गया था कब? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन। कब लॉन्च किया गया था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन। अब यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप मनाते कब हैं तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, तो हर साल 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। अब मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया था कब? 11 जुलाई को 2017 में। इसका जो एम था मिशन परिवार विकास का, जो हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे उन पर फोकस किया जाना था। क्या थे? जो हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे उन पर फोकस किया जाना था। तो यहाँ पर 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे, कहाँ के? 7 स्टेट के। तो उनको यहाँ पर मेन एम है जो बनाया गया था। टेस्ट से ये पता चलेगा। फिर मैंने आपको बताया था क्वाड्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट और डबल मार्कर टेस्ट, सभी जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनके लिए किया जाता है। जो सेकंड क्लास गायनिक की ली थी उसमें मैंने पूरे टेस्ट भी आपको बताए हुए थे, तो आप एक बार उस क्लास को भी देख लें। तो यहाँ पर अल्फा फीटो प्रोटीन में दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, लेवल हाई होगा तो NTD और लो होगा तो डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। नेक्स्ट वन इज आफ्टर डिलीवरी यूट्रस डिस्चार्ज सम ब्लड डेब्रिस एंड सेल्स, इट इज़ कॉल्ड लोचिया। इफ द लोचिया कलर इज रेड दैट मीन्स इट्स अ विच काइंड ऑफ लोचिया। तो हमने पढ़ा है 3 टाइप का लोचिया होता है, रूब्रा, सिरोसा, अल्बा। अब यदि यहाँ पर रेड कलर का, दैट मीन्स क्या है? इनिशियल डे, जो स्टार्टिंग डिलीवरी के आफ्टर जो टाइम है उस टाइम का लोचिया है, क्योंकि डार्क रेड कलर का है तो ये क्या कहलाएगा? ये होगा रूब्रा। क्या होगा? ये रूब्रा। यहाँ पर ये देखिए कुछ चेंजेस दिए हुए हैं लोचिया के टाइप में, ये क्या है? पोस्टम, जो आफ्टर परपीरियम पीरियड जिसको हम कहते हैं उसमें होगा ये सीक्रेशन। तो यहाँ पर यदि आपको पोस्टनेटल पीरियड में या फिर हम ये कह सकते हैं परपीरियम पीरियड में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगे, तो वो होगा लोचिया। आपको मेन चीज़ इसमें याद रखना है पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करना, लोचिया, ये सभी किस में आएंगे? पोस्टनेटल या फिर परपीरियम पीरियड में। तो यहाँ पर लोचिया 3 टाइप का होता है, रूब्रा, सिरोसा, अल्बा। यदि डार्क रेड कलर यहाँ पर कहा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कि आफ्टर डिलीवरी जो डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना के थ्रू उसको यूट्रस से, वो क्या कहलाएगा? लोचिया। लेकिन रेड कलर है तो ये क्या है? हो गया रूब्रा। यदि रेड की जगह यहाँ पर पिंक येलो कहते तब हम क्या कहते? सिरोसा। और यदि वाइट कलर का कहते तो क्या होता है? अल्बा। नेक्स्ट वन इज विच साइन इज कंसिडर्ड एट द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो
वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी इनमें से कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन में लाइटनिंग, क्विकनिंग, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर लाइटनिंग जो वेलकम साइन है प्रेगनेंसी का वो क्या है, वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होगा कि जब आफ्टर 38 वीक के बाद क्या होगा, यूट्रस डाउन साइड आएगा। पहले क्या होगा, अबव जाएगा, एक्सफेस्टर्नम तक जाएगा, लेकिन लाइटनिंग में क्या होगा, यूट्रस है जो क्या होगा, डाउन साइड, फंडल हाइट थोड़ी डाउन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग। और ये क्या है, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है क्विकनिंग। तो क्विकनिंग का मतलब होता है कि जो मदर को बेबी के फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो, तो जनरली ये 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगते हैं मदर को। तो यहाँ पर ये भी आपको एग्जाम में आता है क्विकनिंग, कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स नोन एज द क्विकनिंग। और वेलकम साइन क्या है प्रेगनेंसी में, लाइटनिंग। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम फॉल्स लेवर पेन भी कह सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे, लेकिन ये फॉल्स लेवर के लिए होंगे, ना कि ट्रू लेवर के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द कॉज ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो 10 to 13 ईयर के बीच में जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जनरली वो आएंगी यहाँ पर, एडोलोसेंट प्रेगनेंसी और टीनेज प्रेगनेंसी। तो इनका कॉज सब होंगे, रीजन सब होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है अर्ली मैरिज, रेप ऑफ माइनर्स, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेल एजुकेटेड फैमिली। तो टीनेज प्रेगनेंसी के कारण सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो अर्ली मैरिज मोस्ट कॉमन कॉज माना जाएगा, रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये तीनों होंगे, क्या होंगे, तीनों रीजन होंगे टीनेज प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन जो नहीं होगा वो होगी वेल एजुकेटेड फैमिली, जो अच्छे पढ़े लिखे फैमिली होगी ना, तो वो अर्ली मैरिज करेगी बिफोर 21 ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी गर्ल्स की एज कितनी रख दी है, 21 रख दी है। रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ी लिखी फैमिली ये नहीं करेंगी। तो यहाँ पर कॉज सब होंगे किसी एक को छोड़कर। तो यदि अंडर एज और टीनेज गर्ल की एज पूछी जाती है तो वो है 13 से 17 साल। कितना, 13 से 17 साल की एज में जो गर्ल्स प्रेगनेंट होंगी वो टीनेज प्रेगनेंसी या फिर अंडर एज प्रेगनेंसी में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच टाइट फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि ऐसी कंडीशन जिसमें फोर स्किन पेनिस पर क्या होगी, वापस रिट्रैक्ट नहीं होगी, उसके लिए क्या कहेंगे, फिमोसिस, हाइड्रोसील, एम्फोसील या फिर सर्कमसीजन। तो फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्ट ओवर द हेड ऑफ द पेनिस, दैट मीन्स ये क्या है, फिमोसिस। फिर आता है क्या है, फिमोसिस है, याद रखना इतना है, एक ही लाइन आपके लिए काफ़ी याद रखना, फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्टेड ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। पूरा याद ना भी हो तो यहाँ पर फोर स्किन कांट बी पुल्ड बैक, पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन है वो वापस नहीं जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फिमोसिस। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जनरली सर्कमसीजन करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोसील और ओम्फेलोसील, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो हाइड्रोसील का मतलब होगा स्वेलिंग इन द स्क्रॉटम, फ्लूड कलेक्ट होगा टेस्टिकल के सराउंडिंग, तो क्या होगा, स्क्रॉटम में जो स्वेलिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसील, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में जनरली एक साल की एज के अंदर ही विदाउट ट्रीटमेंट के डिसअपियर हो जाएगा। तो हाइड्रो का मतलब क्या होगा, फ्लूड, और सील्ड से यहाँ पर मतलब क्या है, स्क्रॉटम के चारों तरफ स्वेलिंग होना, ये क्यों होगी, क्योंकि टेस्टिकल के चारों ओर क्या हो गया, फ्लूड कलेक्ट हो गया है। एम्फेलोसील का मतलब होगा बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वैली वॉल। एम्फेलोसील की इमेज आपको एग्जाम में आ सकती है, आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या। तो हाइड्रोसील का मतलब क्या होगा, स्वेलिंग इन द स्क्रॉटम, क्या है, स्वेलिंग इन द स्क्रॉटम, क्यों हो रही है, क्योंकि फ्लूड कलेक्ट हो रहा है टेस्टिकल के चारों तरफ। लेकिन ओम्फेलोसील डिफरेंट टर्म है, एम्फेलोसील का मतलब है कि बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल है यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट होना, जिसके कारण इन्फेंट्स के जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन है, क्योंकि एब्डोमिनल वैली वॉल पर क्या है, डिफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगी, ऑर्गन बहुत ही थिन लेयर से कवर्ड रहेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट सैक हो सकता है, ओपन भी हो सकता है कभी भी, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरे ऑर्गन दिखाई देंगे, जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और जो भी अदर ऑर्गन बेली लाइन से चिपके हुए होंगे, वो सभी यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर में दिखाई देंगे। तो ये क्या है, ओम्फेलोसील।
नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर ओम्फेलोसील की इमेज याद रखनी है। एग्जाम में मेनली आपको डायरेक्ट नहीं आता है क्वेश्चन, आपको इमेज दी जाती है और पूछा जाता है कि है क्या। नेक्स्ट वन इज, व्हाट ट्रीटमेंट मेथड आर यूज्ड टू ट्रीट फॉर एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस। तो एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है। ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, इंजेक्शन मिथार्जिन, आईवी मसाज ऑफ यूट्रस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मैं बता दूं कि एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होगा कि जो यूट्राइन मसल्स हैं उनमें इतनी टोन, दैट मीन्स इतनी टोन और पावर नहीं बची है कि वो वापस से क्या हो सकें, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट हो सकें। तो यहाँ पर एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस का मोस्ट कॉमन कॉज है जो प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज है उसके लिए। एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस के लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके सभी क्या हो जाएंगे, ट्रीट करने के लिए मेथड मानी जाएंगी। तो एटोनोसिटी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है पीपीएच का। यदि एग्जाम में आपको आता है कि पीपीएच का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, तो वो एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस, प्राइमरी एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस। दूसरा है रिटेंड प्लेसेंटा, दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के कुछ बाइट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो क्या रह जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं यूट्रस में। तो यहाँ पर यदि प्राइमरी का पूछें तो एटोनोसिटी है होगा एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस, और यदि सेकेंडरी पीपीएच का पूछें तो रिटेंड प्लेसेंटा। और मैनेज कैसे करेंगे हम एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस को, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल दैट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन सी सेल्स रिलीज होंगी, उगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी ओसाइट्स या फिर प्राइमरी ओसाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के टाइम पर जब एग रिलीज होगा तो कौन सी सेल है जो रिलीज होंगी, तो वो होंगी सेकेंडरी ओसाइट्स। क्या होंगी, सेकेंडरी ओसाइट्स, जो कि इमेच्योर ओवम है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी सेल रिलीज हो रही है ओव्यूलेशन में, सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट वन इज, और सेकेंडरी ओसाइट्स या फिर ओवम जिसको हम कहेंगे, तो सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट वन इज, ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 6 वीक में कौन सा ऑर्गन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। ऑप्शन में अम्बिलिकस, डेसिडुआ, प्लेसेंटा या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम के लिए, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, डेसिडुआ। और यहाँ पर जो प्लेसेंटा क्या है, ये परमानेंट ऑर्गन नहीं है, टेम्प्ररी ऑर्गन होगा जो कि मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन रखेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 6 वीक में जो ऑर्गन सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ओवरी से होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। आफ्टर 6 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो फर्स्ट 6 वीक तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन आफ्टर 6 वीक है जो कौन, ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगेगा, प्लेसेंटा है जो इस हार्मोन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट वन इज, PGE1 इज ऑल्सो नोन एज। तो PGE1 का दूसरा नाम क्या है, डाइनोप्रोस्टोन, डेनोप्रोस्ट, मिफेप्रोस्टोन या फिर मीजोप्रोस्टोल, ये सभी हैं जो गायनिक में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि PGE1 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, या फिर PGE1 को और किस नाम से हम जानते हैं। तो PGE1 क्या है, ये है मीजोप्रोस्टोल। क्या है, मीजोप्रोस्टोल, जो कि जनरली अवसन के लिए भी यूज़ की जाती है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी यूज़ की जाती है, इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 क्या है, यहाँ पर मीजोप्रोस्टोल। नेक्स्ट वन इज, अ वूमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। तो ऐसी लेडी जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी, नली पैरा, नली ग्रेविडा, प्रीमी पैरा या फिर मल्टी पैरा। तो ऐसी वूमेन जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी, नली पैरा। क्या होगी, नली पैरा। और नली ग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। यहाँ पर नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट मीन्स प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, हो सकता मिड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया हो, लेकिन नली ग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्रीमी पैरा का मतलब होगा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है।
मल्टी पैरा का मतलब होगा मोर देन वन और टू टाइम से भी ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। तो पैरा जुड़ जाता है दैट मीन्स बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ग्रेविडा का मतलब होगा कि प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन या फिर क्विकनिंग। तो सर्विक्स का एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन। अब यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं क्या है प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। थ्री टाइप के साइन पढ़े हमने। फर्स्ट आता है प्रेजम्प्टिव जो कि हम प्रेज्यूम करेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसमें एमनोरिया आ जाएगा, हो सकता है प्रेगनेंसी हो या ना हो। दूसरे आते हैं प्रोबेबल जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। फिर आते हैं पॉजिटिव जो कि कन्फर्मेटरी साइन है जो प्रेगनेंसी के माने जाएंगे। तो यहाँ पर गॉडेल साइन का मतलब क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। चैडविक का मतलब होता है ब्लूइश और ब्लूइश कलर ऑफ वेजाइना और सर्विक्स जो कि बहुत ज़्यादा वेस्कुलाइजेशन के कारण होगा। हैगर साइन का मतलब होगा सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या है? हैगर साइन। और यहाँ पर फिर आता है बलोटमेंट। क्या है बलोटमेंट? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ डायग्नोसिंग द प्रेगनेंसी इन विच द यूट्रस इज पुश्ड विथ अ फिंगर टू फील वेदर अ फीटस मूव्ड अवे एंड रिटर्न्स अगेन। तो ये क्या है? बलोटमेंट। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टेबलेट फॉर मदर इज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने आपको दो दिन पहले की क्लास में आप देखिए तो मैंने वहाँ पर आपको WIFS और आयरन एनीमिया मुक्त प्रोग्राम है जो बताया था उसमें चीज़ें बताई थी आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एलिमेंटल आयरन का कितना अमाउंट होगा एक जो आयरन की टेबलेट होती है मदर को दी जाती है। ऑप्शन में 60 mg, 60 ग्राम, 50 ग्राम या फिर 50 mg। तो जो एलिमेंटल आयरन होता है उसमें वन टेबलेट में कितना अमाउंट होगा आयरन का? तो वो होगा 60 mg। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें क्या है अम्बिलिकस इंसर्ट है कहाँ से? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से। जनरली सेंटर से होना चाहिए लेकिन ये क्या है प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हुई है। तो ये क्या कहलाएगा? बेटल डोर, प्लेसेंटा प्रीविया, वेलामेंटस इंसर्शन या फिर मार्जिनल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में चारों ऑप्शन में से चार क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आप क्वेश्चन समझिए कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें अम्बिलिकस कहाँ से इंसर्ट हुई है? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से, सेंट्रल पार्ट से होना चाहिए जो कि कहाँ से हुई है? मेम्ब्रेन से, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन से इंसर्ट हुई है। तो क्या कहलाएगा? वेलामेंटस इंसर्शन। क्या हो गए? वेलामेंटस इंसर्शन। इस तरीके से नॉर्मली प्लेसेंटा में कहाँ से होगी? सेंटर पार्ट से। लेकिन ये देखिए मेम्बर्स जो मेम्ब्रेन से ही क्या हो रही है इंसर्ट हो रही है। कॉर्ड कहाँ से इंसर्ट हो रही है? फीटल मेम्ब्रेन के यहाँ से ही प्लेसेंटा में इंसर्ट हो रही है। दो सरफेस होती हैं फीटल मैटरनल। लेकिन यहाँ पर देखिए बाहरी साइड से ही मेम्ब्रेन से ही अटैच होती हुई इंसर्ट हो रही है कॉर्ड। तो क्या है यहाँ पर? वेलामेंटस इंसर्शन। अब आता है प्लेसेंटा मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन। तो इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से? प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट से ना लेके जो मार्जिन है साइड में मार्जिन है वहाँ से ही इंसर्ट होगी। तो क्या है? मार्जिन। जब यहाँ पर कॉर्ड है कहाँ से इंसर्ट होगी? द कॉर्ड कैन बी इंसर्टेड एज क्लोज टू 2 cm फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर एज ऑफ द प्लेसेंटा का मतलब है मेम्ब्रेन से इंसर्ट होती है। तो ये क्या होगा? वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाती है? बेबी एक्सपल्सन स्टेज, जो कि कंप्लीट 10 cm सर्वाइकल डायलेटेशन से लेकर बेबी एक्सपल्सन की स्टेज है वो क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही प्रॉपर इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि PPH को भी प्रिवेंट करेगा, प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जिससे बेबी की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल रहेगी। तो यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्टिव टिल।
तो प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम कब तक एक्टिव होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ओवरी का पार्ट है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? 6 to 10 weeks, 12 to 14 weeks, 16 to 18 weeks या फिर 20 to 25 weeks। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। और प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? 12 to 14 weeks के, क्योंकि आफ्टर द क्या कौन रिलीज करेगा यही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, तो करेगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्री टर्म लेबर इज, प्री टर्म लेबर का मतलब है कि बिफोर 37 वीक के जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिलीवरी होगी, वो क्या है? प्रीटर्म लेबर। तो प्रीटर्म लेबर को प्रेडिक्ट करने के लिए कौन सा है जो एक सेंसिटिव मार्कर होगा? सर्वाइकल लेंथ, सीरम फेरेटिन, फर्निंग टेस्ट या फिर फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट और फाइब्रोनेक्टिन दोनों एग्जाम में आपको आते हैं, तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट भी प्रीटर्म लेबर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्निंग टेस्ट जनरली ओवुलेशन के लिए किए जाते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्रीटर्म लेबर हो सकता है, वो क्या है? फाइब्रोनेक्टिन क्या है? एक बायोकेमिकल मार्कर है जो कि प्रिडिक्ट करने के लिए, दैट मींस कि बिफोर 37 वीक के भी डिलीवरी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल मार्कर और सेंसिटिव मार्कर हो जाएगा फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फाइब्रोनेक्टिन। नेक्स्ट वन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इज, तो एमनियोटिक फ्लूड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मदर्स प्लाज्मा, फीटल प्लाज्मा, फीटल यूरिन या फिर मदर्स यूरिन। तो जो एमनियोटिक फ्लूड होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? फीटल यूरिन। क्या होगा? फीटल यूरिन। और जो पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीजन क्या होता है? होता है फीटल डायोरेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है कि फीटल यदि बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीजन माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टासाइट पर डे इज, तो प्रोजेस्टासाइट क्या है? हार्मोनल IUCD है। तो प्रोजेस्टासाइट है जो पर डे कितना हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी? 20 μg, 45 μg, 65 μg या फिर 85 μg। तो प्रोजेस्टासाइट पर डे रिलीज करेगा, ये देखिए डिवाइस है एक IUCD जो कि हार्मोनल IUCD है। तो पर डे यदि प्रोजेस्टासाइट की बात की जाए तो पर डे 65 μg करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका, 65 μg, 65 μg पर डे प्रोजेस्टासाइट रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब यहाँ पर टोटल इसमें कितना प्रोजेस्टासाइट में हार्मोन होगा? तो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUCD या फिर प्रोजेस्टासाइट, तो यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट कितना रिलीज करती है? 30 mg प्रोजेस्टेरोन इसमें टोटल रहेगा, जिसमें से 65 μg हार्मोन है पर डे रिलीज करेगी। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है कि प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करेगी, तो म्यूकस का, थिक म्यूकस प्लग का क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी सर्वाइकल ओस के यहाँ पर, जिससे स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? स्पर्म ओवम के लिए है जो सर्वाइकल ओस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेस्टासाइट है क्या करेगी? म्यूकस का वहाँ पर थिक प्लग है जो बना देगी। पर डे यदि टोटल पूछें प्रोजेस्टासाइट में तो 38 mg, पर डे रिलीज पूछें तो 65 μg। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है इसमें? तो वो है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUCD है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जर्म सेल ट्यूमर्स एक्सेप्ट, तो सभी जर्म सेल ट्यूमर्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मीजोनेफ्रिक ट्यूमर्स, टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा या फिर एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है? मीजो नेफ्रॉइड ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर कौन कौन से हैं यहाँ पर? टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस, इनके नाम आप याद रखें वही काफ़ी हैं आपके लिए। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, पॉली एम्ब्रियोमा, कोरियो कार्सिनोमा एंड मिक्सड फॉर्म्स। लेकिन मीजोडर्मल के नाम आप याद रखेंगे, जिसको हम एपिथीलियल ट्यूमर भी कह सकते हैं। तो जर्म सेल का मतलब है यहाँ पर ऐसे ट्यूमर्स जनरली, और यहाँ पर मीजोनेफ्रॉइड पूछें तो एपिथीलियल ट्यूमर की जो जनरली कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि अनकॉमन ट्यूमर ऑफ ओवरी और हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
मॉस्कोविट्स रिपेयर इज डन फॉर, तो मॉस्कोविट्स रिपेयर किसके लिए यूज किया जाएगा? बॉल्ट प्रोलैप्स, एंटेरोसील, क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस या फिर एडिनोमायोसिस। तो मॉस्कोविट्स रिपेयर किसके लिए यूज किया, दैट मीन्स ट्रीट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए किया जाएगा, तो ये कंडीशन होगी एंटेरोसील। क्या होगी ये? एंटेरोसील और स्मॉल बाउल प्रोलैप्स, जो कि एक पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स जिसको हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोलैप्स के टाइप दिए हुए हैं। तो जब यहाँ पर नॉर्मल एनाटॉमी इस तरीके से होगी, यहाँ पर फर्स्ट इमेज देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रेक्टोसील, एंटेरोसील और सिस्टोसील। तो यहाँ पर जो एंटेरोसील है, इसमें क्या होगा कि जो पेल्विक ऑर्गन है, एंटेरोसील में पूरे बाउल प्रोलैप्स या फिर पेल्विक ऑर्गन है। कहाँ पर प्रोलैप्स होते हैं? वेजाइना में। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंटेरोसील। अब यहाँ पर यदि ब्लैडर प्रोलैप्स होता है वेजाइना में, तो यूरिन लीक होगी वेजाइना के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? सिस्टोसील। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मेज देखिए ध्यान से, कि यदि ब्लैडर प्रोलैप्स होगा वेजाइना में, तब हम इसको कहेंगे सिस्टोसील। यदि यहाँ पर जो रेक्टम प्रोलैप्स होगा वेजाइना में, उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टोसील। यदि पूरी यूट्रस प्रोलैप्स हो जाती है, वूम्ब यूट्रस प्रोलैप्स होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे? यूट्राइन प्रोलैप्स। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर जो मॉस्कोविट्स रिपेयर है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो जो भी यूरेटर के यहाँ पर जो भी ऑर्गन प्रोलैप्स होते हैं, उनको स्टिच करके रखा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज़, तो ह्यूमन बीइंग में टोटल ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की कितनी होती है? 10 लूनार मंथ, 280 डेज, 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी माने जाते हैं, क्या हैं? ड्यूरेशन प्रेगनेंसी के सभी माने जाते हैं कि 10 लूनार मंथ, दैट मीन्स कि जो आप मंथ कैलकुलेट करेंगे वो होंगे 280 डेज, जब माने जाएंगे जब हम फोर वीक करके जो मंथ काउंट करेंगे यहाँ पर, फिर 9 कैलकुलेटेड मंथ प्लस 7 डेज, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब एग्जाम में आपको जी टी पैल स्कोरिंग पूछी जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? जी डिनोट करेगा ग्रेविडा को, दैट मीन्स वुमेन कितने बार प्रेग्नेंट हुई है। टी रिप्रेजेंट करेगा कि टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुई, आफ्टर 37 वीक के बाद कितनी डिलीवरी हुई है, तो वो किस में आएंगे? टर्म प्रेगनेंसी में। बिफोर 36 वीक और आफ्टर 20 वीक के बाद जो डिलीवरी हुई है, वो किस में आएंगे? प्री टर्म में। अवोशन का मतलब है कि कितनी प्रेगनेंसी 20 वीक के पहले ही क्या हो गई हैं, या तो अवोशन हो गए हैं या फिर टर्मिनेट हो गई हैं। कितने लिविंग चिल्ड्रन हैं, अभी जिंदा बच्चे हैं, लिविंग हैं, तो वो क्या है? एल में। तो क्या होगा? जी टी पैल स्कोरिंग में आपको यदि G2 दे दें, दैट मीन्स ग्रेविडा 2 टाइम्स, T1 दे दें तो एक टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है पहले, प्रीटर्म P1 दे दें, 2 दे दें, दैट मीन्स प्रीटर्म प्रेगनेंसी। अबॉर्शन में 0 कर दें, दैट मीन्स कभी अबॉर्शन नहीं हुआ है। यदि प्रीमी पैरा है, प्रीमी ग्रेविडा है, तो L में 0 कर दें, तो क्या होगा? लिविंग बच्चे अभी उसके नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज, नेगल्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी इन प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ ईडीडी कैलकुलेशन। तो जनरली नेगल्स फार्मूला यूज़ किया जाता है ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर ईडीडी का करेक्ट फार्मूला क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, एट 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी एंड सब्सट्रैक्ट 3 मंथ, एट 3 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ एयर एलएमपी एंड सब्सट्रैक्ट 2 मंथ। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और एलएमपी का फर्स्ट डे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फार्मूला यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फार्मूला मेनली यूज़ किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या है यहाँ पर? एड 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी। फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी का मतलब होता है कि जिस दिन आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ है उसका पहला दिन। मान लीजिए आपको डेट दी जाती है, आज है 28, क्या है 28 है आपके पीरियड्स, या फिर जिस भी लेडी को अपना ईडीडी कैलकुलेट करना है, तो 28 तारीख है यहाँ पर आज, तो 28 प्लस 7 डेज और उसमें से 3 महीने रिट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी वाज नवंबर 1st एंड ईडीडी आपको निकालना है। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट नेगल्स फार्मूला नहीं दिया जाएगा,
आपको डेट दी जाएगी कि एलएमपी है 29th या फिर 28th, कोई भी डेट दे देंगे। फिर आपको नेगल्स फॉर्मूला यूज़ करके वह जो ईडीडी कैलकुलेट करना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रोल ओवर टेस्ट इन प्रेगनेंसी परफॉर्म्ड फॉर डेवलपिंग ऑफ विच कंडीशन इन मदर। रोल ओवर टेस्ट प्रेगनेंसी में मदर में कौन सी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा, डायबिटीज़ मलाइटिस, एक्लेम्सिया, यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन। रोल ओवर टेस्ट किया जाएगा प्रेगनेंसी में, तो क्या कंडीशन डायग्नोस करने के लिए होगा मदर में, एक्लेम्सिया के लिए। रोल ओवर टेस्ट सिंपल और इजीली क्लिनिकल टेस्ट है, जो कि स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए किया जाएगा। तो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया दोनों टर्म आपको पता होंगे, लेकिन इसका बेसिक माइनर सा डिफरेंस आपको बता दें। तो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया से किस तरीके से अलग है, तो ये भी देख लीजिए। तो एक्लेम्सिया में कभी भी प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्जन नहीं आते हैं। एक्लेम्सिया एक जो इनके बीच का एक जो डिफरेंस है वो यही है। और इनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो क्या है, MgSO4 मैग्नीशियम टॉक्सिटी। और क्यों दी जाती है, एक्लेम्टिक फिट्स को प्रिवेंट करने के लिए। यदि इसका ओवरडोज होता है तो MgSO4 के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए फिर क्या दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। छोटे से टर्म्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यदि इनके डेंजर साइन पूछते हैं एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के, तो हेडेक, ब्लड विजन, अपर एब्डोमिनल पेन। लेकिन इनमें प्रोटीन यूरिया, हाई ब्लड प्रेशर है जो रहेगा, मेन इनके साइन है। इनके बीच का डिफरेंस पूछते हैं एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया से किस तरीके से अलग है, तो प्री एक्लेम्सिया में कभी भी कन्वर्जन और जो एक्लेम्टिक फिट्स हैं वो नहीं आएंगे प्री एक्लेम्सिया में, लेकिन एक्लेम्सिया में आएंगे। अब MgSO4 टॉक्सिटी को चेक करने के लिए कि ओवरडोज हुआ है या नहीं, क्या यूज़ किया जाता है, बर्फ टेक्निक, BURP बर्फ टेक्निक। तो इसका मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यूट्राइन आउटपुट डिक्रीज हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रही है, पैटलर रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर बर्फ यदि पूछा जाता है कि बर्फ टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की MgSO4 की टॉक्सिटी हुई है या नहीं, उसके साइन चेक करने के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द स्टेज ऑफ एक्लेम्टिक कन्वर्जन एक्सेप्ट। तो एक्लेम्टिक कन्वर्जन कब आएंगे, एक्लेम्सिया की सिचुएशन में हाई ब्लड प्रेशर होगा प्रेगनेंसी में तब। तो ये सभी स्टेज होंगी एक्लेम्टिक कन्वर्जन की, किसी एक को छोड़कर। प्री मॉनिटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज या फिर प्री मॉर्बिड स्टेज। तो एक्लेम्टिक कन्वर्जन की सभी स्टेज होंगी किसी एक को छोड़कर, तो क्या होगी, प्री मॉर्बिड स्टेज। यहाँ पर ये देखिए, प्री मॉनिटरी होगा, टॉनिक होगा, क्लोनिक होगा और स्टेज ऑफ कोमा, चार स्टेज होती हैं। प्री मॉनिटरी स्टेज जिसमें पेशेंट अनकॉन्सियस होगा, मसल ट्विस्टिंग होगी, टंग लिम सभी ट्विस्ट होंगे, आई वॉल्स है जो एक साइड या फिर दोनों साइड फिक्स्ड हो जाएंगी और ये कम से कम 30 सेकेंड तक रहेगी। टॉनिक में बॉडी में ट्रंक ऑफिस्टोटोनस जिसको हम कहेंगे वो देखने को मिलेगा, लिम्स और हैंड पूरे क्लेंच हो जाएंगे, साइनोसिस देखने को मिलेगा, आई वॉल्स फिक्स्ड रहेंगे और ये भी 30 सेकेंड के लिए रहेगी। फिर आती है क्लोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज मोर कितने, 1 से 4 मिनट के लिए रहेगी और इसमें साइनोसिस धीरे धीरे चला जाएगा। और लास्ट आती है कोमा की स्टेज। नेक्स्ट वन इज द सेबेसियस ग्लैंड विच रिमेन नॉन डोमिनेट इन नॉन प्रेगनेंट स्टेज बिकम्स हाइपरट्रॉफिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेबेसियस ग्लैंड जो नॉन प्रेगनेंट स्टेज में क्या है, नॉन डोमिनेंट है, दैट मीन्स उतनी फंक्शनिंग में नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, तो वो क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्सिलरी टेल, सेकेंडरी कोलाज्मा, फिर मोंटगोमरी ट्यूबरकल। तो सेबेसियस ग्लैंड नॉन प्रेगनेंट स्टेज में नॉन डोमिनेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, तो ये क्या है, मोंटगोमरी ट्यूबरकल इस तरीके से जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉन पिगमेंटेड नोड्यूल्स रहेंगे एरियोला के चारों तरफ जो कि सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे, तो ये क्या है यहाँ पर, मोंटगोमरी ट्यूबरकल। स्टीरिया ग्रेविडम स्ट्रेच मार्क है प्रेगनेंसी में होने वाले इस तरीके से। लाइना नियाग्रा क्या है, जो ब्लैक लाइन होती है, क्या है, लाइना नियाग्रा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाई है ये आप याद रखें इस तरीके से, इमेज देखिए, स्टीरिया ग्रेविडेरम है, जो ब्लैक लाइन दिख रही है क्या है, लाइना नियाग्रा।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट एंड हेल्पफुल इन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो कौन सी यहाँ पर प्रोसेस है जो कि सरफेस एरिया को कम करेगी प्लेसेंटल साइट पर और प्लेसेंटा सेपरेट होगा, यूटराइन डायलिटेशन, रिट्रैक्शन, एफासमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा यहाँ पर प्रोसेस होगी जिससे सरफेस एरिया कम होगा और प्लेसेंटल साइट से और प्लेसेंटा इजीली सेपरेट हो पाएगा, तो वो होगी रिट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। व्हेन प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द सेंटर इट इज नोन एज, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही दोनों मेथड पढ़ाई है पेरिफेरल और सेंट्रल रीजन से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेंट्रल पार्ट से यदि प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो कौन सी मेथड होगी प्लेसेंटल सेपरेशन की, डनकेन मेथड, स्लड्स मेथड, नेगल्स रूल या फिर जॉन्स मेथड। तो यहाँ पर जो मेथड होगी प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट से सेपरेट हो रहा है तो वो होगी स्लड्स मेथड, और यदि यही पेरिफेरल वे से क्या होता सेपरेट होता तब हम कहते हैं इसको मैथ्यू। तो यहाँ पर डनकेन मेथड कहेंगे कब, जब पेरिफेरल वे से सेंट्रल पार्ट सॉरी पेरिफेरल रीजन से इस तरीके से होता, लेकिन ये सेंट्रल पार्ट से हो रहा तो क्या स्लड मेथड। यहाँ पर साइन यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के 3 मोस्ट कॉमन साइन होते हैं एग्जाम में दिए जाते हैं क्वेश्चन एक्सेप्ट करके आता है, यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन कौन कौन से हैं, लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आउटसाइड, यूट्रस बिकम्स फर्म एंड ग्लोबुलर, यूट्रस राइजेस इन द एब्डोमन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूट्रस डाउन साइड जाएगा या ऊपर की साइड जाएगा, तो यूट्रस कहाँ पर जाएगा, एब्डोमन की साइड, राइज होगा ऊपर की तरफ। गस ऑफ द ब्लड क्या है, सभी गोल्डन और क्लिनिक सॉरी गोल्डन साइन है किसके, प्लेसेंटा सेपरेट होने के। नेक्स्ट वन इज इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन इज, तो प्रेगनेंसी में कौन सा स्ट्रक्चर है जो पावर हाउस का काम करेगा हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन में कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट या फिर यूट्रस, कौन सा स्ट्रक्चर पावर हाउस का काम करेगा हार्मोन प्रोड्यूस करने में प्रेगनेंसी में, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।